नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। राजस्थान में अभी तक आप दलित बच्चों के साथ अन्याय, दलित युवतियों के साथ दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग और महिलाओं के साथ बदतमीजियों की खबरें सुनते रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान की गहलोत सरकार की नाक के नीचे राजधानी जयपुर में अय्याश अधिकारियों, व्यापारियों और जुआरियों की करोड़ों की अश्लील रेप पार्टी का आयोजन होता है। और इस पार्टी में, रेप पार्टी में न केवल लड़कियां नेपाल से लाई गई बल्कि इनकी प्लानिंग भी नेपाल में हुई, यानी कि पूरा इवेंट जो है वो नेपाल में बनता है और फिर उसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है राजस्थान में, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी बेहद पसंदीदा डेस्टिनेशन है। इसमें कई बाहरी राज्यों के लोगों से 2-2 लाख की फीस ली गई और बाद में जहाँ पे जब छापा पड़ता है तो वहाँ से करीब 23 लाख रुपए नगद और विदेशी शराब और हुक्के भी उनके पास से बरामद किए गए। राजस्थान में अश्लीलता की हदें पहली बार पार हुई है ऐसा नहीं है, लगातार वहाँ रेप पार्टीज हो रही हैं, लगातार पार्टीज में अय्याशी हो रही है और जयपुर, पुष्कर, राजसमंद, उदयपुर, जैसलमेर लगातार रेप पार्टियों के लिए एक बेहतरीन स्पेस बनते जा रहे हैं, अय्याशी के अड्डे बनते जा रहे हैं। पुष्कर, पुष्कर को आप किस के लिए जानते हैं? मैं आपको बताऊं तो मैं जब पुष्कर जाती हूँ तो वहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, लेकिन ये पुष्कर अब रेव पार्टीज और देशियों के साथ साथ विदेशियों के भी शामिल होने का खुलासा हुआ है और वहाँ पे कैसीनो, शराब, अश्लील डांस के साथ विदेशी ड्रग्स तक लेते हुए लोग पकड़े गए हैं। बेहद शर्म की बात है कि ये वहाँ की सरकार सब जान रही है फिर भी ये आराम से चल रहा है। राजसमंद में 4 महीने के अंतराल में ही 2 पार्टियों में छापे पड़ चुके हैं। राजसमंद के कुछ होटल्स और फार्म हाउस जो हैं रईस जादों की ऐशगाह बनते जा रहे हैं। यहाँ बडारडा के द्वारकेश रिसोर्ट में 4 माह में रेव पार्टी के दूसरी कार्रवाई हुई है। इसमें पुलिस ने दिल्ली की 4 डांसरों और 14 उनके साथ पुरुषों को भी आपस में रंगरलियां मनाते हुए नशे में चूर गिरफ्तार किया है। अब जयसिंहपुरा खोर के इलाके में सायपुर बाग फार्म हाउस में रेप पार्टी का एक खुलासा हुआ है और ये भी पता चला है कि आयोजकों की 60-गांठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी है। देर रात मारे गए छापे में तहसीलदार और पुलिस इंस्पेक्टर समेत 7 दर्जन से ज़्यादा जुआरी, व्यापारी, रसूखदार लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनके स्थानीय पुलिस से कनेक्शन अब देखे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके कनेक्शन दूसरे राज्यों में भी हैं, थे, ये भी पता चल चुका है। और रेप पार्टी में अश्लील डांस के लिए लड़कियां नेपाल और दिल्ली से लाई जाती हैं। इनके पैसे वाले अय्याश ग्राहक भी कई राज्यों से आते हैं यहीं पे, यानी कि यहीं वो आपस में मिलते हैं। और पुलिस की अगर बात पे यकीन किया जाए तो यहाँ पे हर पार्टी के लिए 2-2 लाख रुपए व्यक्ति के हिसाब से फीस रखी जाती है। इस पार्टी में शामिल लोगों में ज़्यादातर तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोग रहते हैं। वहीं गिरफ्तार फार्म हाउस का मैनेजर मोहित सोनी जयपुर का है और इवेंट संचालक ने वीकेंड पे 2 दिन के लिए फार्म हाउस बुक कराया था, जिसे अरेस्ट किया गया है। नरेश मल्होत्रा उर्फ राहुल उर्फ बबलू ने अपने बेटे मानवेंद्र के साथ मिल करके हाई प्रोफाइल इवेंट का आयोजन किया था। उन्होंने मेरठ के एक शख्स मनीष शर्मा को इवेंट की जिम्मेदारी दी। जयपुर से पहले मनीष ने नेपाल में भी एक इवेंट करवाया था, वहीं पर दूसरी रेप पार्टी जयपुर में कराने की प्लानिंग बनी थी। देश के कई जुआरियों के संपर्क में है ये शख्स
जो ऑनलाइन भी कैसीनो चलाते हैं। अब आप देखिए रेव पार्टी में महंगी विदेशी शराब, अश्लीलता और पैसे की नदियां बहती हैं। इसमें शामिल नेपाल और दिल्ली की युवतियां जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके कहने पर रईस लोगों को शराब के नशे में डुबो करके जुए में बेईमानी कराती हैं और कैसीनो के लिए तीन तरह के कॉइन रखे जाते हैं। इनकी कीमत 10,000, 5,000 और 1,00,000 तय की जाती है। इसके बदले में नगद भुगतान दिया जाता है। और राजधानी जयपुर में सायपुरा फार्म में अवैध रूप से जो कैसीनो, डांस बार और जयपुर पुलिस कमिश्नर की स्पेशल क्राइम टीम ने देर रात यहाँ पर कैसीनो और डांस बार पे छापा मारा। रात करीब 2 बजे की बात है, इसने कर्नाटक पुलिस का इंस्पेक्टर, बेंगलोर का तहसीलदार और कॉलेज के प्रोफेसर समेत कितने लोग हो सकते हैं आप इमेजिन करिए, बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग, ये करीब 84 लोग थे जिनको पुलिस ने पकड़ा वहाँ से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस कदर वहाँ अय्याशी चल रही है। राजस्थान किस चीज़ के लिए फेमस है? पधारो हमारे देश, और यहाँ आकर के आप जो वहाँ के पिंक सिटी के महल है वो देखिए। लेकिन क्या दिखाया जा रहा है? अय्याशी, अय्याशी नहीं, अय्याशी की सारी हदें वहाँ पार हो रही हैं। पुष्कर में भी उसकी पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं ये लोग। वहाँ पे कैसीनो चल रहे हैं, वहाँ पे विदेशी शराब चलती है। क्या करवा रहे हैं गहलोत अपने स्टेट में? सवाल ये बनता है कि ये अपने स्टेट में क्या करवा रहे हैं। हम लोग सुनते थे कि वहाँ दलितों के साथ अन्याय होता है, मॉब लिंचिंग होती है, महिलाओं को जिंदा जलाने की भी घटनाएं मैंने सुनी। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ अय्याशी की, ये बहुत शर्मनाक है। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप कुछ कहना चाहते हैं इस कंटेंट के बारे में तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप टेक्स्ट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।